सातवीं जेपीएससी के पीटी रिजल्ट में आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जेपीएससी ने नया संशोधित ड्राफ्ट रिजल्ट जारी करने की बात कही, जिसके बाद प्रार्थियों ने अपनी याचिका वापस ले ली। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में हुई सुनवाई के बाद अदालत ने जेपीएससी अब नया रिजल्ट जारी करेगा। प्रार्थी के अधिवक्ता अमृतांश वत्स और अजय कुमार चौधरी के मुताबिक अब सातवां जेपीएससी पीटी का नया रिजल्ट जारी होगा, जिसमें कुल 4883 अभ्यर्थी रहेंगे। वहीं पुराने रिजल्ट से कुल 407 अभ्यर्थी बाहर होंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नए रिजल्ट में एसटी कोटे से 145, एससी कोटे से 111 और ईडब्ल्यूएस कोटे से 151 अभ्यर्थी बाहर होंगे। कट ऑफ मार्क्स पर एक नजर डाल लेते हैं। सामान्य वर्ग को 248, बीसी 1 को 248, बीसी 2 को 248, ईडब्ल्यूएस को 246, एससी को 242, एसटी को 232 कट ऑफ मार्क रखा गया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।